दोस्तों नमस्कार, आज एक क्रिएटिव फोटोग्राफर से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं, उनसे सुनाने जा रहे हैं और उनकी पिक्चरें दिखा रहे हैं अपने परफेक्ट पिक्चर चैनल को देखने वाले लोगों के लिए। फोटोग्राफर है प्रखर त्रिपाठी। पिछले कई वर्षों से मैं इनकी तस्वीरें भी देख रहा हूँ, काफी पसंद आती हैं और मेरे मन में आ रहा था कि मैं प्रखर को ढूंढ लिया हूँ। आज उनसे उनकी बातें कुछ सुनाऊंगा। शूट के दौरान की कुछ उनकी यादाश्त आपके सामने आएंगी जो उनको याद करते हैं। मैं उस टाइम पे क्लास 7-8 में रहा हूँ, तो मेरे फादर जर्नलिस्ट थे एंड उनकी बाहर की कुछ ऑफिशियल ट्रिप्स वगैरह लगी रहती थी। तो मुझे याद है ये बात है 2007-8 के आसपास की, और मेरे फादर को टर्की जाना था। तो उस टाइम पे उनको ये था कि मुझे एक DSLR चाहिए और मैं जाऊंगा वहाँ पे शूट करूँगा। मेरे पापा को फोटोग्राफी का शौक था, काफ़ी पहले से था। तो उन्होंने ये एक निकॉन D5000 कैमरा लिया और अब मैं इसको बोलूँ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, पापा ट्रिप के लिए तो चले गए लेकिन वो जो कैमरा था उसको भूल गए। तो अब वो जो कैमरा था वो 15 दिन की पापा की ट्रिप थी, तो 15 दिन के लिए पूरा का पूरा मेरे पास था। अब मैं उस क्लास मतलब 7-8 क्लास में रहा हूँ उस टाइम पे। स्टार्टिंग में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा कि इतने सारे बटन्स हैं, ये हैं, वो हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उठाया और शूट करना स्टार्ट किया तो एक अलग चीज़ अंदर से लगी मुझे कि नहीं यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर मैं बाहर गया, मैंने बाहर कुछ पोर्ट्रेट्स क्लिक किए, कुछ शूट किया एंड ग्रेजुअली वो 10-15 दिनों में मैं शूट करता रहा और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये मेरा एक इंटरेस्ट है इसमें। एंड जब तक पापा मेरे वापस आए तब तक देखा कि प्रखर एकदम कैमरा लेके हर जगह जुटे हुए हैं, कभी इसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, कभी उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ग्रेजुअली वो प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो गया। इवेंचुअली इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वो स्कोप और पैशन इतना ज़्यादा बढ़ता गया, इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि मैं थोड़ा और एक मतलब एक प्रोफेशनल वे में उस चीज़ को देखने लगा। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, आई थिंक क्लास 10th की बात थी, 10th से मैं बस निकला ही था, तो उस टाइम पे ये था कि अच्छे नंबर ले आओ, जो चाहिए मिल जाएगा। और ऐसा मतलब पापा लोग काफ़ी चीज़ें रखते थे, तो पापा का ये था कि क्लास में तुम 10th में 90% के ऊपर ले आओ, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या मैं पढ़ाई में थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा तो मेरे आ गए 90% के ऊपर आ गए। पापा बड़े खुश, क्या चाहिए? पापा को लगा ये बाइक मांगेगा, ये मांगेगा, वो मांगेगा। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे एक DSLR चाहिए। तो पापा ने कहा कि DSLR चाहिए? मैंने कहा हाँ। तब पापा ने मुझे D7000, एक नया निकॉन का उस टाइम पर कैमरा आया था, सेमी प्रोफेशनल कैमरा, वो दिलाया। फिर मैंने अच्छा, अब क्या था कि मेरी जो लाइफ थी वो लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो गई थी। अब मेरा पैशन इतना ज़्यादा डीप हो गया था कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, बिकॉज मुझे गोल्डन आवर में शूट करने का बड़ा मज़ा आता था। तो सनराइज़ के पहले ही मैं एक जगह पे पहुँच जाता था कि नहीं, मुझे वो एक फिल्टर लाइट चाहिए और अच्छे तरीके से मुझे पोर्ट्रेट चाहिए उस ब्यूटीफुल लाइटिंग में। तो मेरा ये रोज़ का स्केड्यूल बन गया था। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता, 2 घंटे फोटोग्राफी करता, वापस आता, स्कूल के लिए रेडी होता, स्कूल जाता, फिर वापस आता, स्कूल से आने के बाद फिर 2 घंटा फोटोग्राफी करता, फिर रात को वापस आता और बाकी जो होमवर्क वगैरह बाकी सारी चीज़ें थी वो सब करता। तो खैर ये सब रहा। उसी दौरान मेरा ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कला निर्वाणा में सिलेक्शन हुआ और मुझे याद है कि टाइम्स फोटो जर्नल और 2-3 ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो वहाँ मेरी पब्लिकेशन हुई और लोगों ने काफ़ी काम की तारीफ करी, सब कुछ किया। तो जब तक 12th कम्प्लीट हुआ तब तक ये था कि अब मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो अच्छा, पापा को ये था कि CA बनेगा, पापा का बड़ा मन था कि अगर उसमें परस्यू करे। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत तो उस टाइम पे डर लग ही रहा था। तो मैंने CA प्रैक्टिस किया, मैंने CPD भी क्लियर कर लिया। CPD क्लियर करने के बाद रियलाइज़ किया कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इस पर नहीं कर पाऊँगा। तो किसी तरीके से हिम्मत जुटाई, मैं पापा के पास गया, पापा को बोला कि पापा देखिए मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे CA वगैरह नहीं हो पाएगा और मुझे फिल्म डायरेक्शन में और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर बनना है, जो फिल्म शूट करते हैं उसको सिनेमाटोग्राफर कहते हैं। तो पापा ने कहा कि कर लोगे? मैंने कहा 100% कर लूँगा। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि पापा कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन जो करना अच्छे से करना। अब मैं चला गया बॉम्बे, मैंने सुभाष गई सर के फिल्म स्कूल से मास कम्युनिकेशन का कोर्स मैंने ज्वाइन किया। फिल्म स्कूल है बॉम्बे में, फिल्म सिटी के, वहाँ मैं
कई सारे फिल्म मेकर से मिला, काफ़ी अच्छे फैकल्टी थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, डायरेक्शन के, फोटोग्राफी के, सिनेमाटोग्राफी के, तो वहाँ मेरा जो एक स्कोप था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। मतलब एक तो इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलने का मौका मिल रहा था, वहाँ पे मास्टर क्लासेस के लिए तो कभी शाहरुख खान आ रहे हैं, कभी अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसी दौरान मुझे एक बार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, तो मुझे एक एरन लो करके एक फ़ोटो एडिटर है, काफ़ी सीनियर फोटो एडिटर है, जो कि इंक वीआर ट्रैवल मीडिया में काम करते हैं सिंगापुर में, तो उनका मेरे पास मेल आया कि प्रखर हमारा ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन है और हम चाहते हैं आप हमारे लिए शूट करें। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुआ। तो वो पहला मेरा एक इंटरनेशनल असाइनमेंट था जो कि मैंने इंक वीआर ट्रैवल मीडिया के लिए किया था, वो लखनऊ पे ही असाइनमेंट था, लखनऊ पे एक स्टोरी कर रहे थे। और उस टाइम पे एग्जैक्टली लखनऊ में जो मॉन्यूमेंट की फोटोज, जी तो मॉन्यूमेंट की जो फोटोज वगैरह थी वो पार्ट ऑफ असाइनमेंट ही थी। एंड अच्छा, उस टाइम पे पर डे का डॉलर्स में पैसा मिल रहा था, वो भी अच्छा पैसा मिल रहा था, तो अब कॉलेज लाइफ में तो इतना पैसा मिल जाना तो बहुत एक अच्छा चीज़ था उस टाइम पे। तो पापा वगैरह भी काफ़ी खुश थे, कन्विंस थे कि नहीं यार, उसको तो पाउंड में और डॉलर्स में पैसा मिलते हैं तो बढ़िया काम है। तो पापा भी खुश थे और मैं भी था। तो मैंने कई सारे मैगजीन्स के लिए शूट किया, कतर एयरवेज स्कूट के लिए शूट किया, टाइगर डेज एशिया के लिए शूट किया, मैंने मल्टीपल मैगजीन्स के लिए ट्रैवल असाइनमेंट्स किए। फिर मेरा ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया तो ऐसा इंटरेस्ट कि मतलब मैं अकेला बाइक पर लद्दाख चला गया और 15 दिन वहाँ रुका हूँ, 20 दिन वहाँ पर रुका हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, और ये मेरा ट्रैवलिंग का सिलसिला बहुत लंबा चलता रहा। मैंने मुंशियारी में खलिया पीक ट्रैक किया। तो अच्छा, जैसे जैसे मैंने पहाड़ों पे जाना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ डिस्कवर करी जिसको कहते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी, जो कि स्टार्स और मिल्की वे की फ़ोटोज़ होती हैं। तो आज से अगर मैं 7-8 साल पहले की बात करूँ तो लोग देखते थे तो अच्छा, मैंने भी पहली बार देखा, मैंने कहा ये तो फोटो मैनिपुलेशन, ऐसी फ़ोटो कैसे खींच सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है जो कि मैंने सीखी, पढ़ी, समझी। और जब मैंने खुद वो सब फोटोज क्लिक करी जिसमें स्टार्स और मिल्की वे और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तब मैंने रियलाइज़ किया अच्छा ये तो क्रिएटेड है। तो फिर मेरा एक स्पेशलाइजेशन वहाँ पे और आया जो कि एस्ट्रो फोटोग्राफी था। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग एक कैटेगरी हो गई थी फोटोग्राफी में। तो मैंने मिल्की वे के टाइम लैप्सेस और स्टार्स के टाइम लैप्सेस ये सब बनाना शुरू किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मैं बहुत ट्रैवल किया है, मैंने हिमाचल में स्पिति हो गया, 15 दिन स्पिति रहा हूँ, बाइक से निकल गया, पंजाब घुमाया, यहाँ घुमाया, लद्दाख घुमाया, तो उत्तराखंड घुमाया, एंड ऐसे मल्टीपल प्लेसेस हैं जहाँ मैं मतलब अपार्ट फ्रॉम मेरे जो कमर्शियल असाइनमेंट्स रहते थे, मैं खुद पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था। तो और ये सब सिलसिला चल रहा था, धीमे धीमे मुझे एज अ डायरेक्टर और एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट रहा। तो बाय द टाइम मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो रहा था, मैंने यही प्लान किया था कि मैं एक असिस्ट करूँगा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर को और मैं सीखूँगा एक फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या होता है। लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद कुछ पर्सनल रीजन से मुझे लखनऊ वापस आना पड़ा था, एंड उसके एक मतलब कॉलेज लास्ट ईयर में फादर की डेथ भी हो गई थी, तो थोड़ा बहुत चीज़ें थी जो कि बनी रही थी। तो खैर, हम लोग वापस यहाँ पे, मैं लखनऊ आया, एंड यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारा स्कोप है गवर्नमेंट लाइन्स में और हर जगह। तो मैं मिला, मैंने ATS का कैलेंडर शूट किया, एंटी टेरर स्क्वाड, फिर मैंने उनकी कॉफ़ी टेबल बुक शूट करी, फिर मैंने UP पुलिस की जो कॉफ़ी टेबल बुक है हम लोगों ने प्रोड्यूस करी और इसको चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉन्च किया। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने कई सारी फिल्म डायरेक्ट करी हैं, मैनकाइंड के 2 कैंपेन्स हम लोगों ने किए हैं, एक अनवांटेड ज्ञान से सावधान था और एक था इश इज़ नॉट ओके, तो मैंने डायरेक्ट किया और हम लोगों ने प्रोडक्शन उसका मैनेज किया। उसके 10 मिलियन से ज़्यादा कलेक्टिव व्यूज़ है इंटरनेट पे एंड बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हिट आ रहा है। फिर HDFC लाइफ की हम लोगों ने फिल्म्स मतलब मैंने डायरेक्ट करी और साथ साथ प्रोडक्शन भी उसका हम लोग कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे कई सारे बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अब हम लोग जुड़ चुके हैं एंड रेगुलर बेसिस पे फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं पहाड़ों का सुनना चाहता था कि लद्दाख में 1:30 बजे रात को देर रात में जो स्नोफॉल शूट कर रहे हैं, जी 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 जब बर्फबारी हो रही है,
तो उसका भी एक दो तो शॉर्ट देख करके लोग भी लोगों को भी मजा आएगा। तो शॉर्ट दे दिया और कुछ कहना है तो उस पर कह दीजिए। और ट्रैकिंग के टाइम कई बार वेदर खराब हो जाता है अचानक, उसमें बच के आना। एक बार चर्चा आ रही थी आपकी जी कितनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन वहाँ पे फिर कुंजुम पास एक जगह है जो कि 16,000 फीट पे है और काफी ऊंचाई पे है। वहाँ पे बहुत फेमस एक मंदिर भी है। तो कुंजुम पास से मैंने डिसाइड किया, मेरे साथ एक जन और आ गए थे, हम लोगों ने चंद्रताल लेक की तरफ एक ट्रैक जाता है, तो गाड़ी से जाने का रास्ता है, एक ट्रैक जाने का रास्ता है। एंड ये जो बात है ये नवंबर की बात है, नवंबर के आसपास ही स्पीति बंद हो जाता है स्नोफॉल के चक्कर में, ये 6 महीना बंद रहता है 6 महीना खुला रहता है। तो मैंने ट्रैक करना शुरू किया है, और अच्छा जब ट्रैक करना शुरू किया तो मौसम एकदम साफ, आसमान में एक बादल नहीं, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है वहाँ पे, मतलब आप नॉर्मल ऐसे बिजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग के पास बहुत भारी इक्विपमेंट और सामान रहता है। तो हम लोग ट्रैक करते गए करते गए करते गए करते गए करते करते 4-5 घंटे बाद हम लोग एक पीक पे पहुंचे। वो पीक से हमें सामने चंद्रताल लेक दिख रहा है। हम लोग बस 5 मिनट वहां पे रेस्ट करने के लिए बैठे थे, तभी मेरे साथ जो थे उन्होंने कहा कि श्रेय उनका नाम था, उन्होंने कहा कि प्रखर बादल अचानक से बहुत ज्यादा आ गए। तो मैंने कहा कि हाँ यार, मतलब ये बादल तो पहले थे नहीं, अचानक से ऐसे बादल कैसे आ गए। तो वो जो मेरे साथ थे उन्होंने भी कई सारे ट्रैक्स किए थे, उन्होंने कहा कि यार हम लोग यहाँ पे अकेले हैं और कोई आसपास है भी नहीं यहाँ पे, और ऐसे बादल आना मतलब पहाड़ों पे कभी भी आपका मौसम बदल सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए थ्रेट हो सकता है, काफ़ी घातक हो सकता है। तो अभी हमें एक तो सामने चंद्रताल लेक दिख रहा है और पीछे हम जहाँ से हमें वो जगह दिख रही है ना, और ऊपर बादल आ रखे हैं। तो बड़े ही डरे हुए थे कि आगे जाएं पीछे जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। फिर मैंने ही उनको बोला कि यार आप इतना बोल रहे हो और बादल मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा आते हुए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो हम लोग वापस चलते हैं। तो एक बहुत टफ कॉल थी कि आप चढ़ के इतना ऊपर गए हो एंड आपको 4-5 घंटे और चलना है, लेकिन उसके पहले ही आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको वापस जाना है। खैर हमने नीचे ट्रैक डाउन करना शुरू किया एंड आप मानेंगे नहीं, विद इन हाफ एन आवर वो जो 2-3 बादल दिख रहे थे, पूरा का पूरा आसमान एकदम काले घने बादलों से छुप गया, मतलब पूरा का पूरा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। एंड सामने हमने देखा कि बहुत बड़ा एक डार्क ग्रे कलर का क्लाउड टाइप का है जो कि हम लोग को अप्रोच कर रहा है। तो अब हम लोग की हालत ख़राब हुई, हम लोगों ने नीचे फटाफट ट्रैक डाउन करना शुरू किया, बीच बीच में सामान गिर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम लोग भागते चले जा रहे हैं भागते चले गए भागते चले जा रहे हैं। तो अब आधे घंटे और हुए होंगे, अचानक से वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चली और स्नोफॉल चलना शुरू हो गई, बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सारी चीज़ें हुई। एंड वो इतनी हैवी स्नोफॉल की करते 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 अच्छा खासा उसका एलिवेशन हो गया। अब उसके बाद हम लोग की हालत ख़राब हो गई क्योंकि जो वाटर बॉटल थी हम लोग की उसका पानी एकदम ठंडा हो चुका था, हम लोग को डिहाइड्रेशन हो रखा था एंड ये हवा और बर्फ़ और इन सब के चक्करों में हम लोग की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एंड आसपास कोई नहीं था, मतलब वहाँ पर कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर किसी भी हालत में जो स्टिक थी उसको पकड़ के सामान लेके लाद के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। एंड फिर वो जो काला सा आगे क्लाउड टाइप का था वो एकदम हम लोग के सामने आ गया और हमने रियलाइज कर लिया कि ये एक स्नो स्टॉर्म है जो कि हम लोग को हिट करने वाला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अब यही था कि कुंजुम पास में एक मंदिर है, मंदिर के बगल में एक चाचा चाची का ढाबा है, इकलौता ढाबा है जो कि आपको अगर आप स्पीति वाली में हैं आप जा रहे हैं काला कैपिटल तक तो आपको बीच में चाचा चाची का ढाबा मिलता है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो। बड़े अच्छे लोग, उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, हमारे अलावा कई लोगों की और जान बचाई है। तो हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं मेरे को सामने से दिख रहा है वो आता हुआ स्टॉर्म और उसने अचानक से हिट किया हम लोग को। वो ऐसा हिट किया है कि हम लोग वहाँ पे बस गिर गए एक तरीके से, और ये शाम के कुछ 7-8 बज चुके थे और हमारी आँख खुलती है चाचा चाची के ढाबे में। तो पसला मंदिर में एक पंडित जी थे और वहाँ चाचा थे और उनके 2 लड़के थे, वो हम लोगों को किसी तरीके से उठा के कुछ कर कर आके वहाँ पे लेकर आए। और जब मेरी आँख खुली तो देखा मेरे हाथों में तेल लगा हुआ है, मेरे माथे पे तेल लगा है, सीने में लगा है, पैर में लगा है, तो वो चाचा चाची ने सब कुछ कर कर आके वहाँ रखा था। और वो कोई तो तेल था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, तो कहते थे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा।
उन्होंने हमें बाकायदा वहाँ खाना खिलाया, हमें जो भी हमारे कपड़े पूरे भीग गए थे और सामान वामान भी काफ़ी ज़रा भीग किया था, मैंने सारी हेल्प करी, सब कुछ किया। एंड थोड़ा बहुत जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई फिर मैं रात को निकला हूँ बाहर, मैं चाचा चाची के ढाबे के बाहर निकला हूँ और दूर दूर तक कोई नहीं। ये कुंजुम पास 16,000 फीट की हाइट पे, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, नदी बह रही है और मैंने ऊपर आसमान में देखा तो स्नोफॉल के बाद बादल सारे हट चुके थे एंड वैसा आसमान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। इतने स्टार्स मतलब मिल्की वे मुझे एकदम क्लियर अपनी आंखों से दिख रहा था। तो मैंने वहाँ पे फिर फोटोग्राफी करना शुरू करी और मैंने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट भी लिया एंड आप दिखा भी सकते हैं लोगों को। तो सेल्फ पोर्ट्रेट में मैं हेडलैम्प लगा के खड़ा हुआ हूँ एंड पीछे पूरा एक मिल्की वे का मार्क आ रहा है ना। एंड मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और काफ़ी डेंजरस भी था एंड ऐसे कई सारे किस्से और भी रहे हैं। और मतलब कहना यही चाहूँगा कि लोग ट्रैक करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमें हमेशा जिस जगह पे जा रहे हैं तो नेचर के हिसाब से सारी चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों आपने प्रखर को सुना, उनकी तस्वीरें देखे, निश्चित रूप से आप कमेंट करें, ये मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि कमेंट इसलिए करें कि इस नौजवान लेकिन अनुभवी और बहुत काम किए हैं इस फोटोग्राफर की पिक्चरों में आपने क्या पाया ये बताना दूसरों के लिए हक में भी है और हमारे चैनल के हक में भी। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।